लोकसभा चुनावों का संग्राम अब अपने चरम पर है। सभी की निगाहें सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। यहां से बीजेपी ने तो अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। एक ऐसा इंतजार जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेठी और रायबरेली में सपा कांग्रेस की गठबंधन के प्रत्याशी के नाम की घोषणा ना होना राजनीतिक गलियारे में पहली बनी हुई है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में डेरा डालकर अमेठी के मतदाताओं को बीजेपी के पाले में करने में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान ना होना अमेठी के लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली से भी कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। यूपी में कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी को लेकर खबर आई है कि यहां से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के उच्चतम पद पर बैठे नेताओं ने इशारा दिया है कि अमेठी से खुद राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा है कि राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। किसी भी वक्त पार्टी उनके नामों की घोषणा कर सकती है। अमेठी लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। हालांकि रायबरेली सीट पर बीजेपी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के जानकार बताते हैं कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद है और इस बार भी वही से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। वायनाड से फ्री होने के बाद राहुल गांधी अमेठी का रुख करेंगे। चूंकि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसीलिए यह पार्टी को बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अमेठी सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा बाद में की जाएगी। वायनाड सीट पर अमेठी की घोषणा का विपरीत असर न पड़े, इसीलिए अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि अगर ये बात जग जाहिर हो जाती है तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं, तो इससे मतदाताओं पर गलत असर पड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड सीट से भी लड़ा था, लेकिन वो अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे। अमेठी सीट गांधी परिवार की कर्मस्थली रही है। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 13 बार कांग्रेस का परचम लहराया है। 1980 के चुनाव में यहाँ से संजय गांधी ने जीत दर्ज की थी। 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी यहाँ सांसद चुने गए। इसके बाद वे 1989 तक लगातार 3 बार सांसद बने। यहाँ से संजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सांसद चुने गए। राहुल गांधी ने अमेठी सीट से लगातार 3 बार जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने टिक नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन भरने की प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू होगी। रायबरेली सीट पर बीजेपी को केवल एक बार जीत मिली है। यह 1952 से कांग्रेस का कब्जा रहा है। सोनिया गांधी 2004 से लगातार इस सीट से सांसद चुनी रही है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी लोकसभा सीट छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बन गई है। बताया जा रहा है कि सीट से गांधी परिवार की प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार बन सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।